नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के आईटीआई चौक पर स्थित कृष्णा कन्फेक्शनरी के बाहर। और हम आपको बता दें कि सीएम सिटी करनाल में चोरों के हौसले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं और चोरी की वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हम आपको बता दें कि आज एक और मामला सामने आया है जहाँ आईटीआई चौक पर स्थित चार दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। न जाने क्यों इतने लापरवाही दिखाई जा रही है प्रशासन द्वारा भी कि इन चोरों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। रोजाना कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चोरी की वारदात जो है सामने आती है। आप इस समय लाइव तस्वीरों में जो शोरूम देख रहे हैं इस पर तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया ही गया, लेकिन उसके साथ तीन चार और शॉप्स पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां से ज्यादातर हर शॉप से जो है कैश उठाकर चोर जो है फरार हो गए। हम आपको बता दें कि ऊपर के रास्ते से उन लोगों ने दुकानों में जो है एंटर किया, क्योंकि ऊपर से जो भी रास्ता कनेक्टेड था सीढ़ियों से जो दुकान के अंदर घुसता था वहां से उन लोगों ने एंटर किया और चारों दुकानों से कैश जो है वो लेकर फरार हो गए। यहाँ पर हमारे साथ सर मौजूद है जिनकी दुकान है, उनसे मैं एक बार जानना चाहूंगी सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कहाँ से उन्होंने एंटर किया था और कितना एंट्री की उन्होंने? हम जरा पैड़ी के रास्ते से, और कोई रास्ता नहीं था ऊपर से आगे, दूसरे जो एग्जॉस्ट फैन का रास्ता उसमें अंदर आए घुसे वो, और कैश ले उठाए 10-12 हज़ार रुपये। सर क्या कुछ प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? और प्रशासन को फोन किया था, वो आए थे, कोई बात नहीं थी ज्यादा, कोई खास नहीं, चेक करके चले गए, बाकी कुछ नहीं था। सर सीसीटीवी शॉप में लगा हुआ था? जी सीसीटीवी शॉप पर लगा हुआ था। नहीं जी। जी सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं तो क्या? मैडम जी ऐसा है, देखो इतनी नज़दीक प्रशासन होने के बावजूद भी ये काम हो रहे हैं, और ये आज का कोई ताज़ा काम नहीं है, रूटीन में महीने में लगभग ये इससे आगे भी चोरी हुई है हमारे से, बिल्कुल जीटी रोड के नज़दीक बिल्कुल वहाँ भी चोरी हुई है, बताओ वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, सारा कुछ है, प्रशासन राउंड पे नहीं रहता, क्या चक्कर है? जबकि राउंड पे भी रहना चाहिए, एक दो राउंड तो लेना चाहिए। एक दुकानदार तो यहाँ सोया हुआ अभी था बता रहे हैं ऊपर छत पे, तो वो भी कह रहा है भाई आया था मैंने आवाज़ मारी तो वो भाग गई, तो ये काफ़ी देखो प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए, ऐसे काम कैसे चलेगा। सर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा अपने आप में बहुत ज़रूरी है, तो लोगों से अपील है मैडम जी, वैसे हमारे लिए भी हैं लेकिन होना चाहिए सीसीटीवी कैमरा, ज़रूर होना चाहिए मार्केट में, तभी जाके ये कार्रवाई रुक पाएंगे और प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम लोग भी आप लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, सीसीटीवी कैमरास आप लोग भी अपने घरों पर अपने शॉप्स पर जरूर लगवाएं, उससे कहीं ना कहीं आप ही का फायदा है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी वारदात जो है उसको अंजाम दिया जाता है तो अपने आप में आपकी सेफ्टी जो है आपके लिए अपने आप में वो फायदेमंद रहने वाला है। एक और शॉप पर जो इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया उस शॉप की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वो तीसरी शॉप है जहां से वे कैश लेकर जो है फरार हो गए हैं। अपने आप में हौसले जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुलंद होते नज़र आ रहे हैं सी एम सी टी करनाल के चोरों के, और कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि पिछले कई समय से जो है ये वारदातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से एक साथ कई शॉप्स पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हो सकता है कि एक ही ये सक्रिय गैंग हो लेकिन उनको अभी तक जो है काबू नहीं किया गया है। कुछ समय पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से करण गेट में भी इसी तरह से चार पांच दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, और दोबारा से अब आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक बार दोबारा भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से चार पांच मोबाइल की शॉप्स पर एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वही समय लाइव तस्वीरें आप करनाल के आईटीआई चौक से देख रहे हैं जहां पर कृष्णा कन्फेक्शनरी ब्रांच और एक दो और शॉप्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें एक साथ जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और कैश जो था वो शॉप से लेकर फरार हो गए हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगी इससे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कितना कैश और क्या कुछ लेकर फरार हो गए? 3,000 के लगभग हमारे गले में कैश पड़ा था और 8-10 जोड़ी शूज़ की लेके गए हैं, डाल के बिल्कुल सारा सामान बिखरा हुआ था और बहुत सारा मतलब वैसे भी नुकसान मिला है, और आधे से ज़्यादा शूज़ उधर पड़े मिले हमें साइड में जो प्लॉट है, खाली प्लॉट है उसके अंदर मिले। सर क्या कुछ प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि एक तो कैमरे वगैरह लगाए जाए इधर, ठीक है, और कुछ ना कुछ इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि अभी छोटा कम नुकसान हुआ है हमारा, आगे जाके और भी ज़्यादा हो सकता है, और जो ये इधर दुकान में था लड़का उसके साथ भी कुछ हो सकता था, गलत मारपीट कर सकते थे या कुछ भी ज़्यादा कर सकते थे उसके साथ। जी सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कैमरे लगे होने चाहिए यहाँ पे, और रात को PCR वगैरह आनी चाहिए देखने के लिए, अभी तो कम चोरी हुई है, आगे भी ज़्यादा भी हो सकती है, और एक हमारी लड़की ने लेकिन PCR रुकी नहीं है, रुकी नहीं है इधर, और एक ये भी देखो ना, एक साथ चार पांच दुकानों में चोरी होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मतलब एक दुकान का माने लेकिन चार पांच दुकानों में हुई है, और आगे भी एक बेकरी की दुकान है वहाँ पे भी चोरी हुई है, तो मतलब ये आगे होना चाहिए कि भाई कैमरे वगैरह लगे और रात को PCR वगैरह यहाँ पे आती जाती रहे तो कम रहेगा, यहाँ पे फर्क रहेगा, दुकानों में ये लगाओ, छह दुकानों में हुई है।
तो जैसा कि इन्होंने बताया, लगातार 7 दुकानों में जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हमारी आप लोगों से अपील है, ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ से आगे जो बेकरी की शॉप है वहां पर भी एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर सीसीटीवी कैमराज भी मौजूद थे। हालांकि जैसा कि इनका बताना था कि पुलिस की टीम जो है सुबह वो मौके पर मौजूद थी। अभी देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इसके खिलाफ की जाती है, लेकिन अपने आप में रोजाना जो है चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इसमें खाली है। हमारी आप लोगों से अपील यही है, जितना ज़्यादा हो सके इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि प्रशासन तक ये खबर पहुंच सके कि इस तरीके की जो भी गैंग सक्रिय है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इस समय लाइव तस्वीर आप करनाल के ITI चौक से देख रहे हैं, जहाँ पर 6-7 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बड़ी बात ये ज़रूर है, जहाँ हर दुकान से जो है कैश लेकर वे लोग फरार हो गए हैं। और दुकानों में उथल पुथल हो रखी थी, जैसा कि लोगों ने बताया कि ऊपर के रास्ते से जो सीढ़ियों के थ्रू शॉप में एंटर करते हैं वहाँ से उन्होंने एंटर किया, जो एग्जॉस्ट फैन की ओपनिंग है वहाँ से उन लोगों ने एंटर किया। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, चोरी की वारदात इस तरीके से रोजाना कोई ना कोई सामने आ रही है? मैम देखिए, पहले यहाँ पे CCTV कैमरेज होते थे ITI के, जब पीछे अभी बच्चों का जो भी प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे बस की, उसकी वजह से सारे कैमरेज जो थे यहाँ पे तोड़ दिए गए थे यहाँ पे, तो उसके बाद कोई रिपेयर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ पर जो पेट्रोलिंग के लिए आती है, जो जिप्सी आती है ना, तो वो होती है रात को यहाँ पे, ठीक है। अब जीप आते हैं, जीप गाड़ी आते, पुलिस वाले उसके पीछे भाग जाते हैं, और ध्यान नहीं देते कहीं भी। कहीं ना कहीं CCTV कैमराज खुद भी शॉप्स में लगवाए जाने चाहिए, अगर प्रशासन द्वारा शॉप्स पे लगे हुए थे। मैंने वही आपको पहले भी बोला है, जो यहाँ पर जो भी हुआ था, जो भी कांड हुआ था यहाँ पर पहले ITI वाला, तो सारे कैमरे तोड़ दिए गए थे यहाँ से, बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम भी यहाँ पर। बस उसके बाद तो कोई रिपेयर ही नहीं हुई यहाँ पे, ना कैमरेज लगाए हैं, ना ITI वाले ने लगाए गए हैं, ना कोई शॉप्स पे हैं यहाँ पे। तो यही है, जो प्रशासन है, जो खट्टर सरकार है अपनी, यहाँ कोई ध्यान दे ही नहीं रही है यहाँ पे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, जैसे अपना रेड लाइट इधर है अपने चौक के ऊपर, तो कोई ना कोई एक आधी जीप वगैरह खड़ी रहती है पुलिस वाला, उनके होते हुए ये काम हो रहे हैं, ये चीज़ है ना। हाँ, लापरवाही है कुछ ना कुछ। आप देखो, पहले उधर चोरी की उन्होंने, उसके बाद फिर इधर घुसे हैं, और ये करते करते 6-7 दुकानें, कम से कम 2-3 घंटे तो उनको लगे होंगे ना। तो पुलिस वाले कह रहे हैं हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे, कोई भी नहीं आ रहा इधर, ये रीज़न है। पुलिस यहाँ पर आकर आपकी शॉप पर देखकर गए थे किस तरीके से पूरी? पुलिस को फोन किया था हमने, कम से कम वो 1-1.5 घंटे में आए हैं। हाँ, वो छानबीन करके चले गए हैं, फॉरेंसिक वाले भी आए थे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं है, सबूत वगैरह कोई फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं मिला है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हालांकि मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और फॉरेंसिक लैब की टीम भी पहुंची, हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द जो है इस पूरे गिरोह को जो है गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि पहले भी 2-3 बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम आपको दिखा चुकी है किस तरीके से एक साथ कई दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। वही आज आपने लाइव तस्वीरें देखी करनाल के ITI से, जहाँ पर 6-7 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और वहाँ से कैश लेकर जो है फरार हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द प्रशासन इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर ले। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।